भगवान बद्री विशाल जी का चार धामों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ महत्व माना जाता है। बता दें कि बद्री धाम को नारायण भक्त कई नामों से पुकारते हैं। आजकल भगवान बद्री विशाल धाम में चारों तरफ जयकारे सुनाई दे रहे हैं। नारायण धाम के कपाट खुले हुए लगभग 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और अब तक नारायण धाम में 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान नारायण जी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हालांकि नारायण धाम में मौसम का मिजाज आजकल कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहा है। कभी अचानक चटक धूप खिल जाती है और कभी अचानक तेज तरार बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी बद्री धाम में काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद हैं। यहाँ पर पहुँचने वाले तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्हें यहाँ पहुँचकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम को, जहां के कपाट 8 मई सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बड़ी बात यह है कि बद्री धाम के कपाट खुले हुए 2 महीने का समय हो चुका है और इस इन 2 महीनों की अगर हम बात करना चाहें तो 2 महीने के भीतर 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त कर लिए। बड़ी बात तो यह भी है कि बद्री विशाल के धाम में आजकल काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं, जिस कारण वहां पर चारों तरफ जय बद्री विशाल जी के जयकारे खूब गूंज रहे हैं। कैमरामैन साथी रोहित भंडारी के साथ नवीन सिंह चमोली।